गाइस अभी हंटर वाले प्लाट पे हैं और ये देखो हमने ना ये लेकर आए हैं ताकि अभी पिंजरा लेके चलेंगे। ले चलोगे ना फिर पिंजरा? वैसे तो गाइस पुराने वाली गाड़ी ना मैंने दे दिया वरना उस पे ले चलते, पिछली बार तो उस पे ले गए थे। मदद भी करा देंगे भाई को, नीचे उतारेंगे आज। भैया हंटर तो खतरनाक लग रहा है बहुत, पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं, इतने को भी नहीं छोड़ेगा देख लियो। अरे कुंडी ठीक होगी क्या राहुल? हाँ करवा दी। हाँ ये लग रहा है। हाँ देख देखो क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, लाला की टेक्नोलॉजी है ये। हट जा पैर टेकने तो भाई लाला को। भाई कैसा महसूस हो रहा है? फरारी बना रखी है ये, फरारी है भाई की मेहनत भी कम लगेगी। हाँ भाई जी देखो यहाँ पे चप्पल उतर गई, चप्पल उतर गई भाई। चलान कटेगा ये, क्या करो तुम? भैया मैं बैठा थोड़ी हूँ। ये बात तो सही, किसने बैठा तो है नहीं, लेकिन हेलमेट का तो कटेगा। रोड पे नहीं है। वो भी ठीक है। गाइस इतनी मेहनत का काम हमने देखो कितनी आसानी से कर दिया, मतलब पूरे मजे ले लेके जा रहे हैं। पिंजरा आप देखो कैसे उतारेंगे, दिखाऊं आपको मैं। क्या हुआ था लाला? गाइस बड़ी मशक्कतों के बाद नीचे लेकर आया इसको, आपने देखा होगा कैसे लेकर आया। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज अभी ना राहुल के साथ अपने सीन देखा था, वहाँ पे पिंजरा वगैरह रख के आए थे, और अभी लाला और भाई विक्की जंगल में मिले थे अभी चोर, तो भाई सावधानी से जाना, अभी हम वहाँ से आए हैं इसलिए हम जल्दी आएंगे, वरना अभी हम भी वहीं मिलते हैं। पिंजरा वगैरह मैंने देखा था तेरा, वहीं वहाँ पे चोर है अभी भी। चोर है, चलाते चलाते गए थे। बताइए चोर क्या बोलते गए थे? ये तुमने बताया क्यों नहीं, फोन कर देते तो यार। तो बताइए ना भाई, टाइम नहीं लग पाया ना भाई, आप धीरे मैंने आया हूँ, यही बात बता रहा था मैं, थोड़ा सावधानी चलना, मैं चल पड़ता साथ पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ तूने बताया था दिल्ली जा रहा है। लाला यार ये बता फिर वहाँ पे चोर है, अब जाना चाहिए हमें? देखते चलते जो होगा देख के जाएंगे भाई, रंडे चलते हैं, रंडे बंडले चलते हैं, सब कुछ चलते हैं साथ, बंदे बहुत हैं साथ, बंदे बहुत हो रहे हैं, क्या कर लेंगे वो, है ना। चोर चले गए वहाँ से या है अभी वहाँ पे? भाई वहाँ थे चोर, हमारी बातें सुन रहे थे बैठ के, तो वो भी चले गए वहाँ से, वहाँ से चले गए थे। रिस्क तो थोड़ा बहुत है कि वो उल्टे भी आ सकते हैं, कोई नहीं ज्यादा बंदे शैडो भी है साथ में। किसको देगा भाई, ये नहीं सुधरेगा भाई। मैक्स रुक जा गाइस, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और अभी घूम के भी आ रहा है ये देखो, फिर भी दोबारा घूमने की लगी हुई है इसको। शैडो में एनर्जी खत्म नहीं होती भाई, भाई ये तो एनर्जी खत्म नहीं होती। ये दोबारा भी चला जाएगा, तुम तीनों जा रहे स्कूटी पे, फिर पहुंच जाओगे ना वहाँ पे कुएं के पहले, ठीक है? चलो चलो आ जाओ। तो गाइस हमारी पूरी टीम तैयार है, प्रदीप भाई भी आया है, दीपक भी, अपना रौनक भाई भी आया हुआ है, और घर भी तू भी आ गया भाई। तेरे घर पे कुछ नहीं कहेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं कहेंगे, घर से वेला आई है, घर से वेला बता दी। नहीं यार कल घर आने की छुट्टी है। अच्छा ठीक है, स्कूल की छुट्टी इसलिए तू आ गया। जला रखी है ना, ठीक है। दो टॉर्च होगी, डंडे वगैरह सब ले लिए भाई, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, भेड़िया हो सकता है भाई? भाई भेड़िया है वहाँ पे, इसलिए तो पकड़ने जा रहे। पिछली बार दिखा भी था भैया, पिछली बार हल्की सी झलक भी दिखी थी। गाइस हमारी आज ना तगड़ी प्लानिंग है, आज पिंजरा भी लेके जा रहे हैं और मीट के टुकड़े लेके जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा करेंगे वहीं पे घेर देंगे पिंजरे में, उसके बाद ना उसकी स्मेल से वो बुलफना वहीं पे आ जाएगा। चलो क्या हो गया? अरे भाई तुम भी यार वही सीन कर देगा, ट्रिपलिंग नहीं होनी चाहिए जब जंगल के पास पहुंचने वाले हैं। अरे दीपक भाई ये क्या लेकर आ गया थैली में? ये भाई मसाल डंडे वगैरह आग जलानी पड़ेगी ना। अच्छा इसमें थैली में सारा सामान है? तेल तूल सब कुछ ले रखा, साथ में डंडे ले रखे भाई यहाँ पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं जंगल की एंट्री पे, और हमसे आराम से ले चल। तो गाइस दो गर्वित है हमारे साथ, एक गर्वित है, गर्वित है ये अपग्रेडेड वर्जन है गर्वित, प्रीमियम भाई प्रीमियम वर्जन बता दिया गर्वित, 1-2 कर लो यार, 1-2 न्यू प्रीमियम गर्वित बोलूंगा मैं इसको, ठीक है भाई गर्वित। गाइस देखो कितनी लंबी झाड़ियां हो गई, बीच में से आए बिल्कुल हम अभी, ये देखो। अच्छा रास्ता साफ है, आ जाओ आगे आ जाओ, आराम से छोड़ो आराम से। ये कैसी कैसी आवाजें आती है जंगल में यार, ऐसी कैसी आवाजें आ रही है इस साइड से जंगल में, और ये मेरे को लग रहा है स्मेल लेते हुए जा रहा है, ये उसी रास्ते पे जा रहा है प्रॉपर। और गाइस पिंजरे के पास ना मैंने राहुल को खड़ा कर रखा है, वो काफी देर का खड़ा है, उससे पूछते हैं क्या सीन है वहाँ पे, वहाँ पे चोर वगैरह भी आए थे, बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे, और गाइस पहुंचने वाले हैं बस राहुल के पास, उससे पूछते हैं। शैडो बिल्कुल अलर्ट फॉर्म में है, अभी तक थका नहीं आ रही, तो बिल्कुल घुमा के लाए थे देख लो इसको, पूरा घुमा के लाए थे, देख तेरे ही पसीने आ रहे भाई अभी तक, और इसको देख कुछ फर्क नहीं है, सारे अलग अलग चल रहे हैं यार। चल भाई चल, इधर जाना है क्या भाई? अरे उधर नहीं जाना, गलत मत जा तू, चल साथ में भाई, भाई जल्दी चलो, राहुल भाई अकेला वहाँ पे वेट कर रहा है यार। हाँ जल्दी जल्दी चल रहे, पकड़ गया ये, ओए 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 पकड़ भाई, बहुत ज्यादा बड़ी घास है यहाँ रहने तो। ओए ओए फिर बढ़ गया, छोड़ो कंट्रोल रखो, यहाँ पे कुछ स्मेल आ रही है, चलते रहो भाई, रुकना नहीं है रुकना नहीं है। देखो गाइस कितना बड़ा जाल है, कितना ही बड़ा है। तो गाइस पहुंच चुके हैं ये रहा पिंजरा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? हम जा रहे हैं यार घर पे। हो गया चोरों की आवाज आ रही है, यहाँ से चोर की आवाज आ रही है, हम जा रहे हैं भाई, पहले इधर चुके आप, चलो तुम जाओ 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 यार, दो बंदे तो हमारे चले गए उल्टे। राहुल
यहाँ पे चोर वगैरह थे क्या थोड़ी देर पहले? भाई पता नहीं, विक्की आगे गया था वीडियो बनाने, मेरे को तो पता नहीं, मैं और तो यहीं पे रुके हुए थे। पीयूष सूर्य तो कह रहे हैं यहाँ पे चोर वगैरह थे इसलिए भाग गए, तो डर गए भाई। मैंने तो ये डंडे वंडे भी तोड़ दिए थे यहाँ से। हाँ डंडा तूने सही रख रखा है, तो बाकी तब का ही है। देख शैडो बिल्कुल भी नहीं थक रखा, देखो अभी अलर्ट में पूरा ही। मसल्स दिखाई दे रही है तुझे, पूरा अलर्ट देख। तो गाइस हमने यहाँ पे पिंजरा रख दिया भाई, यहाँ पे पिंजरा रखना सेफ है क्या? भाई ठीक है यहीं रख देते हैं, और आगे ज्यादा अंधेरा भी है, उससे अगर इसके अंदर फंसता तो मैं पता भी लग जाएगा, पता भी लग जाएगा। बाकी ये खुला थोड़ा सा एरिया भी है, और यहाँ पे ना मैं ऐसा करता हूँ मीट का टुकड़ा लाया हूँ, वो गिर दूँ यहाँ पे। हाँ इसमें ना मीट का टुकड़ा डाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मीट गिर दी, एक बंदा वहाँ पे झाड़ियों में छुप जाएगा, डर भी तो लगेगा हर एक बंदे को। दो तीन रुक जाते हैं राजा, रुक जाते हैं एक ग्रुप देखाओ, एक ग्रुप यहाँ पे रुक जाता है। हाँ ये आइडिया ठीक है, एक ग्रुप देखा देते हैं, एक रुक जाएगा यहाँ पे, रुकेगा जैसे ही कुछ इसके अंदर फंसता है तो उनका काम होगा कि उस गेट को बंद करो, उस गेट को बंद करना भाई। देख लेना भाई, जिसको डर लग रहा है भाई वो बेशक चले जाओ, वो पीयूष और वो तो चले गए हैं निखिल भाई, मैं तो जब का ही हूँ, तू तो साथ में है भाई, कर लोगे ना, डरोगे तो नहीं भाई? बिल्कुल भाई कर लेंगे भाई। भाई फिर कौन कौन रुकेगा यहाँ पे? गर्वित रुक जाएगा और प्रदीप रुक जाएगा, प्रदीप भाई रुक जाओगे ना फिर यहाँ पे ठीक है, और लाला रुक जाएगा, तो साथ में चलेगा भाई लाला, फिर तू भी रुक जाएगा यहीं पे? रुक जाऊंगा भाई। भाई कितने हो गए फिर यहीं के, मतलब तीन बंदे हो गए, तीन बंदे हो गए, और कोई रुक सकता हो? ये लड़का भी रुक जाएगा यहीं पे, रुक जाएगा। बाकी यार कमजोर नहीं रख रहे हम यहाँ पे भाई, कमजोर तो कर रहा है लगा रहा। अच्छा लाला कमजोर नहीं है क्या? कमजोर इसको लगा रहा। चार बंदे हो गए, ठीक है पांच हम हो गए ठीक है, तू हो गया और ये ठीक है, दीपक भाई मेरे साथ है ठीक है। अच्छा शैडो को आपने पकड़ रखा है, पकड़ लो ना फिर ठीक है भाई, कोई इन्फॉर्म कर देना, फोन वगैरह कर देना अगर पता लगता है तो। चले चलते हैं, एक टॉर्च तेरे पास रख ले लाला, टॉर्च मत जलाइयो, जब कोई हलचल महसूस हो ना अपने पास आती हुई तभी टॉर्च जलाइयो, वरना टॉर्च देख के वैसे भाग जाएगा ठीक है। अगर भी तेरे को ध्यान रखना है इसका ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो भाई आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। गाइस पुनीत और तो चले गए हैं, पांच बंदे तो यहाँ पे, लाला मैं और एक भाई है, हम चार बंदे हैं टोटल यहाँ पे। तो कुछ भी अगर होता है तो उसको फोन कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई यहाँ पे कुछ, नहीं तो हम बैठ के उनका इंतजार ही करेंगे अभी यहाँ पे। हाँ ठीक है सही कह रहा भाई, लाला टॉर्च बंद कर ले नहीं तो दूर से ही अंधेरे में चमकेगी। हाँ ठीक है भाई। तो गाइस कुएं के पास पहुंच चुके हैं, और शैडो देखो वहां पे फुल अलर्ट मोड में भाई, आज तो पूछ नीचे नहीं हुई, देख आज तो पूरी पूछ ऊपर है भाई कुएं के पास ही। भाई ये सोचो कि भेड़िए को अपने पास कैसे लाया जाए भाई, ये भी सही कह रहा है भाई, ये भी तो सोचना चाहिए हमें कैसे आएगा वहाँ पे। मीट का टुकड़ा रख दिया पिंजरे के अंदर तो भेड़िया उसको खाने के लिए आएगा ही यार। वैसे भेड़िए में होता है ना मतलब दूर से स्मेल आ जाती है उनको, भेड़िए हुए ये दूर से ही सूंघ लेते हैं। चलो 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 भैया, सब साथ रहो नहीं तो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना तो भाई गर्दन पे ही वार करते हैं। हाँ भाई अपना सेफ रहना पड़ेगा, सारे साथ में रहने पड़ेंगे, अलग होया तो उसको है ना तो एज मिल जाएगी उसको काम का की, तो सारे साथ ही रहना। गाइस यहाँ पे ना पेड़ काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं आज के टाइम में, पता नहीं कोई काटता तो वैसे भी नहीं है, और काफी ज्यादा बड़े हो गए ना, घने बिल्कुल, ये देखो दूर तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, पूरे घने हैं बिल्कुल, जंगल का बीच ही आ गया, आगे तो बीच में पहुंच चुके हैं। वो एरिया जो भेड़ियों का एरिया स्टार्ट हो तो जहाँ से आगे आके गुफा है भेड़ियों की। हाँ हाँ ये वही है भाई है। और ये इससे ज्यादा खाली एरिया है भी नहीं, मतलब यहाँ से खाली एरिया यहाँ पे है नहीं, यही है बस ये, अब अलर्ट रहना ठीक है, थोड़ा ज्यादा ठीक है, इसी एरिया में ज्यादा देखने को मिले। रौनक सुन थोड़ा पीछे नजर रखियो ठीक है, कोई पीछे से अटैक ना कर दे, वो नजरे बिल्कुल चौकन्नी, बिल्कुल ये जो बाज है ना भाई, गर्वित और दीपक भाई को दिखाता और मेरे को दिखाता भाई, जब भी आप लोग आते हो जब भी आपके साथ जाता है ये पीछे पीछे मंडराता है हमारे ऊपर, पिछली बार इसकी अभी पहली उसी के सर पे मंडराते हैं यहाँ पे जो भी आता है, फिर से ये हमारे पीछे ही करेगा मेरे को लग रहा है, हम आगे आगे जाएंगे ना हमारे पीछे जाएगा। अभी तक आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई तो दे रही है, कहीं पे छुपा हुआ आवाज तो बहुत ज्यादा आ रही है इसके बारे में। हाँ चल चल आगे चलो 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 भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, और ये देखने नहीं क्या शैडो? हाँ ये देख, अरे ये कहाँ जा रहा है? ओए ओए पकड़ भाई पकड़, ओए ना अरे अरे आग आग बुझा, अरे मिट्टी डाल मिट्टी डाल, मिट्टी जल्दी जल्दी बुझा 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 बुझा, यहाँ पे आग तो बुझा दिए यार, ये क्या सीन था भाई, समझ नहीं आया कौन लोग थे। तूने खुला क्यों नहीं छोड़ा फिर शैडो को? भाई शैडो को खुला छोड़ दूं वो भाग जाता, तो फिर यार शैडो को कहाँ ढूंढते जंगल में? हाँ शैडो नहीं मिलता यार, ये तो सीन है ये शैडो को लाने का, ये फिर ये भाई शायद वही थे जो जंगल में आग वगैरह लगाते हैं बार बार। हाँ ये वही है, बार बार आग लगाते हैं, रास्ता बनाने वाले हैं यहाँ पे ना, कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, रास्ता बनाने वाला कुछ सीन कर रहे हैं यहाँ से, जो अपने भागने के रास्तों को क्लियर कर रहे हैं ताकि झाड़ियों में उलझ के वो गिरे ना। हाँ हाँ भाई फिर चेक करेगा जाके एक बार, चलो भाई इधर चेक करते हैं, चेक करते हैं, ऐसा करते हैं उसको भी पता लग जाएगा, अगर वो आगे होगा या फिर भेड़िया होगा तो उसको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं, शैडो शैडो भी इधर देख रहे, देखो चलो 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 आ जाओ, इधर भागा था ना ये, अरे तो
किसका फोन आ गया भाई? उधर से आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, प्रदीप का है क्या भाई? प्रदीप का क्या हो गया भाई? लाला आवाज आ रही है, टॉर्च ऑन कर एक बार, फ्रंट काम कर भाई। प्रदीप कहाँ गया भाई? लाला कुछ हलचल की आवाज आ रही है। प्रदीप फोन कर दे, फोन करो। क्या लाला वहाँ पे देख क्या है? कुछ फंसा है, कुछ फंसा है शायद, चल देखते हैं क्या है भाई। ये अपने आप जा रहा है उधर भाई। राहुल देख के, राहुल राहुल आराम से पकड़ इसको, देख लियो भाई, पकड़ पकड़। स्मेल बहुत तेज होती है ना। हाँ हाँ, पिटबुल की भी तेज होती है यार। ये देखियो वहीं पे जा रहा है। मशाल जला ले पहले, मशाल जला, ठीक है ठीक है ठीक है, वरना दिखेगा भी नहीं है ना टोर से। ठीक है ठीक है, रोक पकड़े रख इसको, पकड़े रख साइड, जल की पूरी। ओए ये तो भेड़िए की आवाज है ना मेरे ख्याल से। एक मिनट, चलो 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 आराम से, तू पीछे आराम से लेकर शैडो को, अचानक अटैक ना कर दे उस पे। चलो 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 कोई जा रहा है भाई, जल्दी आओ। अरे अरे लाला क्या हुआ भाई? इसने कुछ फंसाया है। ओए भाई क्या है भाई ये? ओए एक मिनट एक मिनट, अरे ये क्या है? अरे दीपक पीछे 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 पीछे। तो गाइज मुझे शक था कि ये वुल्फ है या कुछ हो रहा है, तो मैंने नेट पे निकाला और ऐसा वुल्फ होता है देखो, ब्लैक कलर का, ये देखो भाई। ओ ये काला सा, ओए रुक रुक रुक, ओए यार ये तो शैडो से भी बड़ा है भाई। इसका साइज देख, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे आ रहा, देख। एक मिनट एक मिनट, जाके देखो थोड़ा सा, देख रुक रुक रुक। ओए भाई सुख यार, ये देख के एक मिनट, साइज देख रहा है इसका, पूरा पिंजरा घेर लिया भाई। क्या करें, शैडो शैडो भी कंफ्यूज हो रहा है, क्या है देख यार, कंफ्यूज हो रहा है, भोग भी नहीं रहा यार ये तो। ठाए इसको भाई, ओए 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 पकड़, रुक जा रुक जा शैडो रुक जा, इसकी ना कुंडी नहीं लग रही भाई, आगे मत कर। अरे प्रदीप भाई कुंडी नहीं लगाई क्या? ये अटैक करने वाला था ये, कैसे लेके जाए? अरे मशाल को क्या कर रहा है तू? बुझ गई भाई, अब इसका क्या करना है? ये फंस तो गया, रिक्शा में रखना पड़ेगा भाई, इसको रिक्शा में रख के ले चलते हैं भाई, लेके चले फिर इसको। चलो जल्दी से भाई इसकी, चल चल चल, मैं डर भी लग रहा है यार इसकी तो, पूछ मतलब पहली बार भीड़ इतनी इतनी सामने से देखा है ना ये मेरे को, ये थोड़ा बच्चा है। चलो चलो गरीत देख के, देख के गरीत भाई, देख के इतर पर अटैक करने पर। ओए गरीत पीछो पीछो भाई, और कैसे ऐसा क्या करे यार, कैसे करे भाई? राहुल ऐसा कर, तू शैडो को लेके पहुंच, वरना ये खाम का अटैक करेगा तो पिंजरा ना खुल जाए। तू आगे चल, आगे चल, थोड़ा साइड में जाइयो, बिल्कुल इस साइड से जाइयो, ठीक है? साइड से लेके, ठीक है ठीक है, जा 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 जा, हम इतना आज पकड़वाते हैं। थैली वगैरह रख दे गरीब, थैली रख दे, करवाना है अब, ठीक है? डरना नहीं है किसी ने भी, चलो भाई चलो, ठीक है। अरे कहाँ रह गया? अरे राहुल क्या कर रहे थे? लाला को दे के भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो बाइक भी, बाइक भी लेके जानी है। ठीक है ठीक है, चल लाला पहुंच जाएगा ना फिर, ठीक है? तू फिर चला जा, बाकी धीरे धीरे जाइयो, क्या पता हम फोन कर दे, शैडो की जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है ठीक है, जा जा जा, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, हाथ संभाल के, हाथ संभाल के भाई, कितना बड़ा ये भेड़िया यार, ये पिंजरा भी है और भेड़िया का भी वेट है यार। घुमा लो, चलो चलो घुमा घुमा घुमा, और भाई ये तो बहुत बड़ा है, अगर खड़ा होगा ना तुम्हारे सर के ऊपर जाएगा। चलो 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 चलो, रेडी पे रखो रखो, चलो 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 चलो, देख के बच के बच के बच के। ओए ओए गेट खुल गया भाई, अरे गेट को पकड़, चला गया भाई, ले हो गया ना सीन, आ चला गया। अरे गेट कैसे भाई? गेट नहीं करा था क्या बंद? भैया मैं तो उठा ही नहीं रहा था, मेरे बहुत भारी था, कैसे खुल गया यार? ले इसे बंद ही नहीं करा, कैसे नहीं बंद करता यार, किसके काम लग रहा था, क्या करे ये, किसके काम थे यार ये, हो गया ना इतना अटैक मार रही है वो। अरे यार ये कैसे खुली थी यार, दिमाग खराब हो गया, इतनी मुश्किल से पकड़ा था ये कुंडी यार, आज ही तो वेल्ड करवाई थी, पता नहीं कैसे खुल गई यार, ये लूज हो गई यार। यार ये चेक नहीं करी थी कुंडी, शायद ये लूज है, मतलब वेल्ड अभी कराई थी क्या तूने? चेक करनी थी यार, चेक करनी थी यार, मतलब बड़ी मुश्किल से करा था। यहाँ से प्रदीप भाई भी तो बता रहे थे, दांत दूध मार रहा था, उसके चक्कर में गिर गया एकदम, ये यहाँ से दांत मार रहा था एकदम से छूटा ना वो, देख उंगलियां उधर डाल के, वो देख यहाँ, अरे यहाँ से मुंह निकाल के वो दांत मार रहा था यार, यहाँ से तो काफी ज्यादा, ये तो काफी ज्यादा गैप है यार, देख काफी ज्यादा गैप, मैंने बोला था ना इसीलिए तो यहाँ से पकड़ने को बोला था ताकि वो काट ना पाए, लेकिन वो यहाँ से मुंह निकाल ले यार, क्या करे, ये गिरने की वजह से खुला भाई, ये लूज नहीं थी, ये थोड़ी मतलब लूज थी, गिरने की वजह से वो और लूज होगी, हाँ ये होया होगा, थोड़ी लूज होगी, गिरने की वजह से लूज होगी, गिरा ना वो तब खुला वो, ये क्या करे, इसका पिंजरे का ले चले, पिंजरा रखते हैं तो चलते हैं, चलो चलो
मेरे ख्याल से वो बच्चा था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा नहीं लग रहा था, इतना बड़ा भी नहीं था, बच्चा था वो, बड़ा तो था लेकिन यार शैडो से भी कितना बड़ा साइज था, थोड़ा सा उसकी उम्र कम थी भाई, लाइफ में कभी देखा तो नहीं भाई, तभी तो इतने आराम से रुका हुआ, नहीं तो बड़ा होता तो मतलब ही नहीं इतने आराम से रुक पाता। हाँ ये भी बात है यार, ना इंसानों से डरता इतनी देर में तो हमारी हम पे अटैक भी नहीं करा उसने, थोड़ा बच्चा था वो मुझे लग रहा है। जंगल से बाहर पहुंच गया, पिंजरा आगे रख दिया हमने, कबाड़ी वाला आ गया, वीडियो नहीं बनानी कबाड़ी वाला। So guys, पिंजरा तो हमने रख दिया था और उसके बाद ना मैंने वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि काफी बड़ी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। हम ना उसके बाद जब पिंजरा रखते थे काफी मजे लेते हुए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो हुआ ना माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम हमने भेड़िया देखा और पकड़ा भी था, लेकिन गाइज हमारे एक मेंबर को हल्का सा दांत लगने वाला था इसलिए उसने छोड़ दिया, लगा नहीं दांत, कोई दिक्कत नहीं आई। इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि हाथ में भी आया भेड़िया और उसको लेके जा रहे थे हम गाइज उसको रेस्क्यू करके ना वन विभाग वगैरह में लेके जाते, वो नहीं हो पाया। खैर अगली बार देखेंगे, इस बार ना थोड़ा अच्छा पिंजरा लेके जाएंगे और ऊपर वाली जगह को कवर रखेंगे ताकि वो दांत वगैरह निकाल ना पाए वहां से। और गाइज काफी दिन बाद वीडियो आ रही है क्योंकि ना मेरे चैनल पे ना एक स्ट्राइक का सीन आ गया था, स्ट्राइक आ गई थी, किसी और चैनल वाले ने डाली, यूट्यूब ने डाली थी, जो हेलमेट वाली वीडियो थी ना उसपे हेलमेट को ऐसे हाथ पता नहीं स्ट्रिक्ट तो रखे, उनको लगा कि थप्पड़ वगैरह का सीन दिखा नहीं सकते तो इसलिए वीडियो डिलीट हो गई थी। तो आज की वीडियो को एंजॉय करना, काफी लंबी वीडियो है, तो गाइज वीडियो कर रहे हैं यहाँ पे एंड। कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, अगर लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज की वीडियो तो भाई शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।